हेलो एवरीवन, आज हम जिस केस को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 354A पर बेस्ड है, जो कि अब BNS का सेक्शन 75 हो गया है। तो इस केस में हम इस केस के फैक्ट और इस केस से रिलेटेड जो लॉ प्रोविजंस हैं उनको और इस केस में कोर्ट ने क्या कहा उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ ही इस केस में हम जो मेन चीज़ है जिस पे ये केस बेस्ड है वो ये है कि जो टीनेजर लव होता है उसमें जो टीनेजर लव होता है उसमें जो हग और किस है उसको यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला है कि ये क्रिमिनल जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट नहीं होगी, ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। तो आइए देखते हैं, इसमें हम सबसे पहले इस केस के फैक्ट देखते हैं। इस केस का बैकग्राउंड ऐसा है कि इसमें जो गर्ल होती है और यहाँ पे ये जो लड़का है संतना गणेश, इन दोनों की जो एज है वो अराउंड 19 to 20 होती है। तो ये दोनों जो लड़का और लड़की ये दोनों होते हैं ये रिलेशनशिप में होते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये रिलेशनशिप में जब मिलते हैं तो इनके बीच में किस और हग दोनों होता है और उसके बाद जो लड़की है यहाँ पर वो FIR करवाती है। अब वो FIR क्यों करवाती है, क्योंकि यहाँ पर लड़का शादी से मना कर देता है और इसलिए लड़की इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 354A में यहाँ पे एक FIR करवाती है इस लड़के के अगेंस्ट और उसके बाद यहाँ पे इस केस की अब शुरुआत होती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं इसके लॉ प्रोविज़न 354A का क्या कहता है। वन पार्ट 354 जो ए सेक्शन है वो बेसिकली सेक्सुअल हरेसमेंट की बात करता है। इसके साथ इन प्रोविजंस के साथ हम एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न और पढ़ेंगे कि हाई कोर्ट के पास क्या इस सेक्शन में FIR क्वेश करने की पावर है या नहीं है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू होता है क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार अलग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हाई कोर्ट की जो FIR क्वेश करने की पावर है वो उसके लिमिट क्या है, वो किन किन केसेस में कर सकता है या नहीं कर सकता। सबसे पहले हम सेक्सुअल हरेसमेंट का जो सेक्शन है उसको हम देखते हैं कि ये सेक्शन क्या कहता है। तो सेक्सुअल हरेसमेंट का जो सेक्शन है इसमें सबसे पहले इंडियन पिनल कोड जो पहले चल रहा था अब BNS है, तो इंडियन पिनल कोड में क्या कहा गया है कि सेक्सुअल हरेसमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरेसमेंट, और इसमें 75 सेक्शन है। आप इनके डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन जो है वो दोनों सेक्शन में ऑलमोस्ट सिमिलर है और जो हमारा केस है वो इसके ए के वन पार्ट में फॉल करता है और 75 के वन के सब क्लॉज जो वन है उसमें फॉल करता है, जिसमें ये बोला गया है फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरमेंट। ठीक है, ओवरचर। तो इसमें यहाँ पे पनिशमेंट 3 साल दी गई है। अब वहीं पर अब हम देखते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पर अगर हम इसको समझें कि एक लड़का एक्स है और वो किसी लड़की को जो लड़की वाई है उसको अपने साथ जो है बिठाता है और उसको कोई भी उसकी मर्जी के अगेंस्ट जो है कोई भी ऐसी वीडियो जिसमें कोई सेक्सुअली एक्ट हो या कोई पोर्न वीडियो देखने के लिए बोलता है, उसको फोर्स करता है, तो ये जो चीज़ें हैं ये इसमें फॉल करती हैं। तो ये उसकी मर्जी के अगेंस्ट होना चाहिए और लड़के की ये इंटेंशन भी होनी चाहिए और इसमें जैसे क्लियरली लिखा है फिजिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए और जो एक्ट है जिस वक्त वो एक्ट हो रहा है वो अनवेलकम एक्ट होना चाहिए। ठीक है, जिसमें कुछ भी जो है वो क्या एक्सप्लिट होना चाहिए, एक्सप्लिसिट क्या होना चाहिए, सेक्सुअल ओवरचर। अब हम इसमें देखते हैं दोनों का कंपैरिजन ज़रूरी है। अब पहले जो दोनों की डेफिनेशन सेम थी लेकिन अब उसमें कुछ चेंजेस हैं, पनिशमेंट ऑब्वियसली सेम है, हम पहले देख चुके हैं। अब इसमें जो पहले जो इंडियन पिनल कोड था उसमें जो ये ऑफेंस था वो कॉग्निजेबल था, अब भी ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है BNS में, लेकिन अंतर कहाँ पे आया है, डिफरेंस इज़ दैट कि पहले ये बेलेबल ऑफेंस था, नाउ दिस ऑफेंस इज़ नॉन बेलेबल ऑफेंस। पहले इस ऑफेंस को ट्राई करने की पावर कोई भी किसी भी मजिस्ट्रेट के पास थी, कोई भी मजिस्ट्रेट इसको ट्राई कर सकता था, बट अभी ये जो ट्राई करने की पावर है ये कोर्ट ऑफ सेशन के पास है, ये MM के ये मजिस्ट्रेट के पास नहीं है, तो ये कोर्ट ऑफ सेशन के पास है। तो ये हमारे हो गए लॉ प्रोविज़न जिसमें ये कहता है कि ये ऑफेंस क्या होगा और इस ऑफेंस के क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं।
इसके बाद यहाँ पे ये पूरे इसके और भी क्लॉज हैं, लेकिन इस केस के लिए हमारा जो फर्स्ट क्लॉज है वो इम्पॉर्टेंट है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कोर्ट ने इसमें कुछ इशूज़ को देखा। सबसे पहला जो लीगल इशू यहाँ पे कोर्ट ने देखा कि अनवेलकम एडवांसेस, जो अनवेलकम एडवांसेस हैं इसका मीनिंग क्या होगा। सबसे पहले तो इस केस में जो जस्टिस बेंच थी, जो जज की, वो यहाँ पे एन आनंद वेंकटेश थी, जिन्होंने यहाँ पर अनवेलकम जो वर्ड है इसको समझाया कि जब इस वर्ड को एग्जामिन किया कि अनवेलकम वर्ड में इसके एक्शंस क्या होंगे, कौन सा जो एक्ट है वो हम इसमें इन्वॉल्व, वो इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कोर्ट ने जो पॉइंट आउट किया कि जो टू अडल्ट हैं, एक अडल्ट ये है, एक अडल्ट ये है, इन दोनों के बीच में जब कोई रिलेशनशिप है, तो जो रिलेशनशिप यहाँ पर उस वक्त यहाँ पे दोनों की मर्जी से हो रही है, तो उस पे दोनों की म्यूचुअल कंसेंट है, तो यहाँ पर जो इस केस में जो भी जेस्चर्स सिटेड किए गए हैं, बताए गए हैं, फिजिकल जेस्चर्स, ये दोनों के कंसेंशुअल हैं। तो दोनों की अगर कंसेंशुअल बेस्ड पर है तो FIR जो है वो सही नहीं है। तो अभी हम देखेंगे कि FIR जो है वो क्वेश्चन भी हुई है, आगे कभी हम प्रोविजंस में देखेंगे कि किन ग्राउंड्स पर हुई है। जैसे कि अब इसमें ये बोला गया कि नेचुरल जो अफेक्शंस हैं दो टीनेजर्स के बीच में, ये बहुत ही नेचुरल है। जैसे कि इस केस में क्या हुआ था कि जो लड़का था वो 20 ईयर्स का था और लड़की 19 ईयर्स की थी अप्रोक्स, तो ऐसे केस में इस तरह के जो अफेक्शंस हैं वो कॉमन हैं। और इसमें यहाँ पे जस्टिस वेंकटेश ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी दी है कि इट इज़ क्वाइट नेचुरल फॉर टू पर्सन इन अ टीनेज हु आर हैविंग अ लव अफेयर टू हग एंड किस ईच अदर, बाय नो स्ट्रेच दिस कैन कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 354A सबसेक्शन 1 इन क्लॉज 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन की। तो इसके साथ ही यहाँ पर ये बोला गया कि नेचुरल अफेक्शन है, इसमें कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, कि क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है एक दूसरे के प्रति। अब इसके साथ यहाँ पे कोर्ट ने सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसे केस में कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर हम लड़के पे इस तरह की प्रोसीडिंग्स चलाते हैं, कि ऐसे केस में अगर हम लड़के पे प्रोसीडिंग्स चलाते हैं तो ये एक तरह से जो है जो लीगल प्रोसेस है इसका मिसयूज़ होगा, और ये एक बेवजह लीगल प्रोसेस का यहाँ पे हम मिसयूज़ करेंगे और इसके साथ जो है वो कोर्ट का टाइम भी वेस्ट होगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लीगल प्रोविज़न यहाँ पे हमें देखना ज़रूरी है कि क्या हाई कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन में ये पॉइंट है, ये पावर है कि ऐसे केसेस में कोर्ट क्या कर सकता है, FIR क्वेश्चन कर सकता है या नहीं कर सकता। तो जनरली हम देखते हैं कि वीमेन रिलेटेड जो ऑफेंसेस होते हैं उसमें हाई कोर्ट की जो पावर है वो कहीं ना कहीं लिमिट कर दी जाती है FIR को क्वेश्चन करने की। लेकिन इस केस में कोर्ट ने कहा कि जैसे इस केस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने BNSS न्यू क्रिमिनल लॉज आने के बाद, जैसे MM को हटाकर जो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को हटाकर जुडिशियल मजिस्ट्रेट का प्रोविजन है अब, तो यहाँ पर पुलिस ने क्या किया था इस केस में कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनके सामने पूरी जो इन्वेस्टिगेशन की चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट जो होती है सब कुछ सबमिट कर दिया था। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर भी यहाँ पे कोर्ट के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, FIR को क्वेश कर सकता है अगर उसे यहाँ पे क्या है, लेक्स सब्सटेंटिव ग्राउंड है, यहाँ पे वर्ड कोर्ट ने यूज़ किया लेक्स ऑफ सब्सटेंटिव ग्राउंड, ये कोई ग्राउंड नहीं लग रहे है कि जिसपे FIR रजिस्टर हो सकती है। तो इस तरह के जो सिचुएशन में कोर्ट ने FIR को क्वेश की, तो कोर्ट ने FIR को क्वेश की और उसके बाद कोर्ट ने यही डिसीजन सुनाया कि ये एक बहुत ही नेचुरल अफेक्शन है टीनेजर्स के बीच में, जो आजकल हम देखने को हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इसमें ऐसे बहुत सारे केसेस अभी आ रहे हैं जिसमें पोक्सो के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें बिलो 18 ईयर्स जो हैं वो अक्यूज्ड हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ चेंजेस हमारे अभी इंडियन लॉज में आने पे बहुत सारे डिबेट चल रहा है इस पे, तो वो देखते हैं क्या होता है। तो कोर्ट ने इस केस में जो है वो FIR को क्वेश किया और अपनी ये स्टेटमेंट दी कि इसमें 354A के जो हैं वो ऑफेंसेस नहीं बन रहे हैं। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, इस वीडियो में हमने सबसे पहले जो लड़की होती है, गर्ल होती है, वो यहाँ पे 354 का जो है ऑफेंस यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करती है, एलिज करती है लड़के के अगेंस्ट। उसके बाद जो लड़का है वो FIR क्वेश करने की यहाँ पे पिटिशन लगाता है और कोर्ट जो है FIR क्वेश करते हुए FIR क्वेश करते हुए यहाँ पे जो है वो बताती है इनका मीनिंग कि क्या है,
और इसके साथ ही हमने यहाँ पे देखा कि दोनों जो लॉज हैं इनका कंपेयर, हमने इनको कंपेयर किया और कंपेयर करने के बाद हमने देखा कि दो यहाँ पे मेजर जो है डिफरेंस है कि पहले ही ऑफेंस बेलेबल था, अब नॉन बेलेबल है। पहले इस ऑफेंस को जो है वो कोई भी मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता था, अब ये पावर सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन के पास है। थैंक यू।